जय हिंद दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हीट सिंक के बारे में। तो आपने हीट सिंक का नाम बहुत जगह सुना होगा और आपने सर्किट्स में देखा होगा कि वो मदरबोर्ड में जो कि हमारा लैपटॉप है उसमें देखा होगा कि एक मतलब सिल्वर कलर की प्लेट होती है, उस पर बहुत सारे मतलब जैसे रेगुलेटर्स के जहाँ पे हीट डिसिपेट होती है उस मेटल को कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हीट सिंक के बारे में और हीट सिंक के क्या मैकेनिज्म है, आप इससे इसको पेल्टियर सेंसर मॉड्यूल के साथ इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसके कुछ एप्लीकेशंस। तो चलिए बिना किसी देर के आज हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि हीट सिंक क्या होता है, उसका मैकेनिज्म और वो कैसा कुछ दिखता है, क्यों होता है और एग्जॉस्ट फैन के साथ उसको क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ कि हीट सिंक वो हमारा हीट डिसिपेशन का थोड़ा सा बड़ा लेवल है। मतलब जैसे अगर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे होते हैं जो बहुत हीट डिसिपेट करते हैं, तो हम लोग ने जो बड़ी सर्किट्स होती हैं तो उनमें एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे सारा जो हमारा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट जो हीट डिसिपेट करते हैं वो एक साथ रहते हैं और जितनी भी हीट होती है इस शीट पे जो दिख रही है आपको उस पे रिलीज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा हीट डिसिपेशन का जो टाइम है वो ज़्यादा मतलब घट जाता है, मतलब कि वो जल्दी जल्दी डिसिपेट हो जाती है हीट, तो और हमारी प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाती है। किसी भी प्रोसेसिंग स्पीड जैसे बेसिकली लैपटॉप्स की अगर बात करें तो अपने आपने देखा होगा सीपीयूज में सीपीयू फैंस होते हैं, तो एक्चुअली वो एक एग्जॉस्ट फैन का काम करते हैं। उनके पीछे जो हमारा अगर ये एग्जॉस्ट फैन है हमारा, तो इसके पीछे हमारी हीट सिंक लगी होती है। तो क्या होता है कि ये जो एग्जॉस्ट फैन होता है इसके जो इसकी हीट को ख़त्म करने के लिए लगाया जाता है कि मतलब हमारा सिस्टम का जितनी भी हीट डिसिपेट हो रही है, मतलब जैसे वोल्टेज रेगुलेटर्स हो गए और ट्रांजिस्टर वगैरह जिस जिस में हीट डिसिपेट होती है उन सब का टर्मिनल को इससे कनेक्ट कर दिया जाता है कि सारे मेटल के कॉन्टैक्ट एक बराबर हो जाए और सारी हीट जो है वो सिर्फ एक प्लेट में आ जाती है और उसके सामने फैन लगा दिया जाता है कि तुरंत तुरंत वो ठंडी हो जाए शीट, तो मतलब उसमें और हीट आती रहे और प्रोसेसिंग स्पीड मतलब आप समझ गए कि लूप बाय लूप चलता रहता है। तो ये है हीट सिंक का मतलब बेसिक यूज। मतलब वो एक मस एक लोहा है आप कह सकते हैं, पर वो उसका बहुत मेन कॉम्पोनेंट है हमारे बड़े सर्किट्स में अगर आप बात करें तो बहुत यूज होता है इसका। अब बात रहे कि हम लोग पेल्टियर मॉड्यूल में उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ पेल्टियर मॉड्यूल के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं, पर पेल्टियर मॉड्यूल में ये इस तरीके से अप्लाई होता है कि हमें एक कॉन्टैक्ट चाहिए होता है कि कहाँ पे हम लोग एक ठंडा बहुत ही ठंडे पार्टिकल को रखते हैं और बहुत ही गर्म पार्टिकल को रखते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब हम उस हीट सिंक में या फिर मतलब पेल्टियर मॉड्यूल में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को डालते हैं और उसके ऊपर जब हम लोग हीट सिंक रखते हैं उसके मेटल सर्फेस के ऊपर, तो क्या होता है हीट सिंक जो हमारा हो जाता है वो बहुत बड़ा एरिया बन जाता है हमारा आइस फॉर्म करने के लिए या फिर वाटर को बॉइल करने के लिए। अगर आपने ठंडा रखा है नीचे तो उस केस में जो हमारा बॉइलिंग का जो रेट है वो बढ़ जाता है या फिर हमारा वाटर का फ्रीजिंग का रेट बढ़ जाता है। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो अभी चिंता मत कीजिए, सेंसर बेसिक्स में अभी हम लोग पेल्टियर मॉड्यूल के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आपको इसके बारे में अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रही बात उसके एप्लीकेशंस की, तो दोस्तों उसके एप्लीकेशंस हैं जैसे आपने हमने नॉर्मली बताया कि सबसे ज़्यादा मदरबोर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे कोई ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं होते हैं, पर सबसे ज़्यादा हम लोग इसको मदरबोर्ड्स में ही इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर हम आपके सर्किट में बहुत हीट डिसिपेट हो रही है तो आप उसको हीट सिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके मेटल कॉन्टैक्ट को उसमें लगा सकते हैं कि जो हमारी हीट है वो लार्ज प्लेट पे हो जाएगी, तो उससे जो हमारा हीट डिसिपेशन का रेट है वो बढ़ जाता है। तो ये थे हमारे एप्लीकेशंस आज के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा था वीडियो, और अगर आपको ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पे, और अगर आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानना है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ पे फॉलो कीजिएगा जाके। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।